ज़िमनी इंतखाबात हल्का पीपी 282 का बड़ा मार्का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर का फैसला ना हो सका, उम्मीदवारों के इंटरव्यू का मरहला मुकम्मल। सदर साउथ पंजाब ओम अब्बास बप्पी ने एमपीएस और ज़िले सदर की मौजूदगी में तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए, हतमी फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। हल्का पीपी 282 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर का फैसला आज मुतवक्के है। मुल्तान में होने वाले इंटरव्यूज़ का मरहला मुकम्मल हो गया। सदर साउथ पंजाब पीटीआई ओम अब्बास बप्पी ने 6 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। ज़राए के मुताबिक कैसर खान मगसी, एडवोकेट यासिर खालिद रांचा, शम्स खान न्याजी, कर्नल शुएब, अमीर अवान, रफीक राजपूत और चौधरी अंसर सिंधु ने टिकट के हसूल के इंटरव्यूज दिए। साबिक एमपीए सरदार शहाबुद्दीन खान सीहड़, पीर रफाकत अली गिलानी, ज़िले सदर सरदार इफ्तिखार बाबर खान खेतरान समेत दीगर क्यादत और कारकुन भी इस मौका पर मौजूद थे। बाज़ उम्मीदवारों ने कैसर खान मगसी की बजाय पीटीआई के नज़रियाती कारकुन को टिकट देने की तजवीज़ दी। मौजूदा सूरत हाल में अब्दुल मजीद खान न्याजी की राय को अहमियत दिया जाना मुतवक्के है। टिकट किसका मुकद्दर होगी, हतमी फैसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए विज़िट कीजिए voicetoday.tv। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।